Hi Hi guys, guys. welcome back to our channel Truth Bloggers. I am Saurabh I am with Devolina. Devolina. आज हम लोग आए हैं एक स्ट्रीट फूड ब्लॉग करने के लिए. ये भुवनेश्वर में एक फेमस जगह है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म के स्टॉल्स रहते हैं. उसमें आपको मोमो भी मिलेगा, उसमें आपको चिकन कबाब. पहले हम लोग का जो दर्शकों है जो नए हैं भुवनेश्वर के, उनके लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग का चैनल क्या है. चैनल का डिस्क्रिप्शन एक बार बोल देते हैं. हाँ, आवर चैनल इज ट्रूथ ब्लॉगर्स. आप लोग यहाँ पे आप लोगों को ट्रैवलिंग का ब्लॉग्स मिलेगा और स्ट्रीट फूड का ब्लॉग मिलेगा. हम लोग स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट दोनों कवर करते हैं. तो बहुत दिन से हम लोग रेस्टोरेंट कवर करते जा रहे थे, लेकिन स्ट्रीट फूड काफ़ी दिनों से हम लोग को नहीं मिला कवर करने के लिए अच्छा वाला स्ट्रीट फूड. तो यहाँ पे हम लोग का आज मिल गया, जो कि मतलब अच्छा है. हम लोग जो पॉपुलर है वही करते हैं कवर. तो ये जो फूड हब कहते हैं यहाँ का, तो ये बहुत ही पॉपुलर है भुवनेश्वर इन्फोसिटी एरिया में. तो सौरभ बताएंगे. एग्जैक्टली ये जगह आपको मिलेगा पटिया स्क्वायर से इन्फोसिटी स्क्वायर के बीच में. ठीक है, आपको ये जगह मिल जाएगा. कोई ऐसा दुकान है नहीं जो आपको यहाँ पर नहीं मिला. कोई ऐसा खाना है नहीं. अगर आपको स्नैक्स में आइटम में जो भी चाहिए, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, इज मोमोज, चिकन कबाब, आप चिकन फ्राइज, सब कुछ मिलने वाला है. तो ब्लॉग में बने रहिए. अगर आप लोग भूखे हो और सोच रहे हो कि कम दाम में कुछ मिल जाए अच्छा खाना और वैरायटी मिलेगा, अगर आप लोग चाहते हो वैरायटी मिल जाए, तो आप लोग फूड हब मतलब यहाँ पे आ जाना. यहाँ पे आपको बहुत सारे दुकान मिलेगा और सारे स्ट्रीट फूड है, लेकिन अच्छी क्वालिटी और हाइजीन मेंटेन करके ये लोग बनाते हैं. और वैरायटी भी मिलेगा आपको और प्राइस चीप प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा एकदम. और मगर वीडियो में आगे जाने से पहले जो पहला आपको करना है, सब्सक्राइब और वीडियो में पूरा बने रहना है आपको, और कमेंट करना है कि आपको कैसा लग रहा है. तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये जगह कैसा है. तो जैसे मैंने हम लोगों ने बोला, ये एक कबाब का दुकान है. इसमें आपको हर तरह का कबाब मिल जाएगा, चिकन का, प्रॉन का, सब तरह का कबाब मिल जाएगा. तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे दुकान है, आप किसी भी दुकान से खाते हैं. पहले हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है कबाब. तो जैसे देवोलीना ने सिलेक्ट किया है एक प्रॉन कबाब, मैंने एक चिकन मलाई कबाब सिलेक्ट किया है. तो देखते हैं. अब चिकन टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है थोड़ा सॉस मिल के. सॉस थोड़ा फीका है, मगर चिकन सॉफ्ट एंड मसाला पूरा अंदर तक गया है एंड कुकिंग वेल कुक्ड है, बहुत अच्छा है. तो अभी मेरे हाथ में जो है वो प्रॉन है. तो लेट्स टेस्ट. गाइस बहुत ही अच्छा है, काफी सॉफ्ट है. मसाला जो है स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, तो बच्चे लोग भी खा सकते हैं और टेस्टी भी है. आराम से आइएगा और यहाँ पे खाना खाइएगा. गाइस आई एम नाउ एंजॉयिंग माई फूड. थोड़ा मोमो टेस्ट करने हम लोगों ने एक चिकन केएफसी मोमो ऑर्डर दे दिया है. चलिए वेट करते हैं और टेस्ट करके फिर आपको बोलते हैं. जितना हो सके हम लोग दिखा रहे हैं, बहुत सारा दुकान है. आइए टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट करके बोलिए कि कैसा लग रहा है. तो गाइस हम लोगों ने कुरकुरे मोमो ले लिया है. तो कुरकुरे मोमो हम लोगों ने पहले नई हटी में momo.com में ट्राई किया था. आप भुवनेश्वर में आके यहाँ पर ट्राई करेंगे. साइज ऐसा है और पीस है 6, 60 रुपये में 6 पीस. मोमो काफी क्रंची है, तो तोड़ के दिखाता हूँ. स्टफिंग्स भरपूर है और टेस्टी भी बहुत है. इट्स अ गुड वन. तो हम लोग लास्ट में आ गए चाय बार में थोड़ा चाय पीने.
खाना पीना सब खत्म, अब थोड़ा चाय पियेंगे। पहले हम लोग चॉकलेट चाय ऑर्डर दिए हैं। चॉकलेट चाय आ गया है, तो चाय के ऊपर थोड़ा चॉकलेट, लिक्विड चॉकलेट या चॉकलेट डस्ट दिया हुआ है, टेस्ट करके बोलते हैं। पहला बात, चाय गर्म है, ठीक है, और क्या बोले, जैसे चाफी होता है ना चाय में कॉफी का फ्लेवर, वैसे ही आ रहा है थोड़ा, पर टेस्ट अच्छा है। तो गाइज, आज का खाना पीना हम लोग का ख़त्म। हम लोगों ने बहुत कुछ खा लिया, मोमो, चिकन कबाब, प्रॉन कबाब, चाय, बहुत कुछ टेस्ट कर लिया, बहुत कुछ कॉफ़ी भी, और बहुत कुछ रह भी गया। बहुत सारे दुकान है, आप कुछ भी आके खाइए, खुद आइएगा और आप लोग का टेस्ट, मतलब लाइक वाइज हम लोग खा सकते हैं। सब कुछ मिलता है, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, इन आपको वेज में सारे होते हैं स्नैक्स आइटम, सब मिल जाएगा। इवनिंग में खाने का सब, बर्गर और सब मिल जाएगा। वेज कॉर्नर भी है जहाँ पे आप लोग को वेज भी मिलेगा, एकदम वेज का भी ऑप्शन है। आप आ जाइए, ये जगह होता है पाटिया स्क्वायर से इन्फो सिटी स्क्वायर के बीच में, ठीक है, आप चले आइए इधर आके। लोकेशन फिलहाल चेंज हुआ है, पहले रास्ते का उस साइड मतलब अपोजिट साइड में था, कनाडा बैंक है उसके पास बगल में बैठता है ये लोग, अभी थोड़ा चेंज उधर अपोजिट में, अपोजिट में आ गया है, अपोजिट में आ गया है। मगर टेस्ट बहुत अच्छा है खाने का, बहुत ही अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है टेस्ट। आप लोग आके टेस्ट कीजिए और कमेंट करके हम लोग को बोलिए कि कैसा लग रहा है। ये भुवनेश्वर का एक, अगर भुवनेश्वर के रहने वाले है तो कहाँ पे ऐसे बढ़िया स्ट्रीट फूड मिलेगा और मिलता है कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि हम लोग नए हैं भुवनेश्वर में, हम लोग ऐसे ही अगर स्ट्रीट फूड का ब्लॉग हम लोग को करने को मिलेगा तो हम लोग करेंगे और आप लोग को फूड शो करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट करके हम लोग को बताइएगा कि कहाँ पे अच्छा वाला स्ट्रीट फूड मिलेगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसा और ब्लॉग आने वाले हैं और भी आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा।